अगर आप भी आंशिक भिन्न द्वारा जो सवाल है उसको नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप टेंशन छोड़िए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर समय दीजिए मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको आंशिक भिन्न का सवाल समझ में आएगा तो आएगा ठीक है चलिए देखते हैं आपके लिए इस सवाल को मैं कैसे समझाता हूँ सबसे पहले ये कैसे डिसाइड होगा कि ये आंशिक भिन्न से होगा कि, कि किसी और तरीके से होगा तो सबसे बड़ी पहचान जो है वो क्या है वो नीचे देखेंगे तो कोष्टक में अलग अलग कोष्टक में गुणनखंड के रूप में अगर दिया हुआ है तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि ये सवाल आंशिक भिन्न का है कोष्टक में दिया हुआ जरूर रहेगा नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस होता है ऐसे कोष्टक में दिया रहेगा ठीक है तो अब इसको तोड़ेंगे कितने टुकड़े में तोड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए मैंने बताया था नीचे अगर तीन कोष्टक लगा तो इसको तीन टुकड़ा हम तोड़ेंगे दो कोष्टक लगेगा तो दो टुकड़ा तोड़ेंगे नीचे चार कोष्टक लगेगा तो चार टुकड़ा में तोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से नीचे तीन ब्रैकेट है तो तीन टुकड़ा में इसको तोड़ते हैं x बटे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर ए बटे प्लस बी बटा प्लस सी बटा देखिए बटे की लाइन को मैंने तीन लाइनों में तोड़ दिया तीनों लाइनों के ऊपर ए बी सी लिखा हूँ फिर नीचे एक कोष्टक दो कोष्टक तीन कोष्टक है तो इसके नीचे पहला इसके नीचे दूसरा इसके नीचे तीसरा कोष्टक लिख दीजिए कितना आसान काम है यार देख रहे हो देख रहे हो विनोद सिर्फ नकल करके लिखा जा रहा है यहाँ से देखा गया यहाँ लिखा गया यहाँ से देखा गया यहाँ लिखा गया यहाँ से देखा गया वहाँ लिखा गया क्या है ऐसा जवाब नहीं जान पाएंगे सब जान जाएंगे अब क्या करेंगे इस चीज को समझिए देखिए जैसे है इसको फिर से देख के लिख लो नकल करके यहाँ फिर से लिखिए कितना अच्छा काम है सिर्फ नकल करना हर लाइन देखिए अब ए लिखिए ए के नीचे वाला छोड़ के बाकी इन दोनों के नीचे वाले का गुड़ा इसके साथ ये है प्लस बी लिखिए तो बी के नीचे वाला छोड़ के बाकी इसके नीचे का इसके नीचे का इसके साथ ऐसे अभी तो और लिखना है प्लस सी लिखिए इसके नीचे वाला छोड़ के ये इसके नीचे इसके नीचे का दोनों पद वहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ठीक है अब क्या करेंगे ये 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 तीनों को इसके नीचे लिख लेंगे अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया मैंने सिर्फ देखा है लिखा है कुछ भी नया काम नहीं किया सिर्फ ए को लिखा हूँ फिर इन दोनों को लिखा हूँ इसके साथ बी को लिखा तो फिर इसको नीचे छोड़ के इन दोनों को लिख दिया सी को लिखा तो इसको छोड़ के ये दोनों लिख दिया नीचे का तीनों नीचे नीचे लिखा गया और दोनों पक्षों से ये तीनों और ये तीनों कट जाएंगे जो चीज बाए पक्ष में यहाँ है वही चीज देखिए दाए पक्ष में यहाँ भी है तो हर से हर कट जाएगा नीचे से नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा अब क्या करना है अंश इक्वल टू अंश लिख देना है यानी फिर हम नकल करके लिखेंगे लिखेंगे इसको बाकी ये सब पूरा जितना लिखा है ना सब नकल करके लिख देंगे अगली लाइन में चलिए लिखते हैं ध्यान से देखते रहिएगा कितना मज़ेदार सवाल है ये सिर्फ नकल ही चल रहा है यहाँ पे ठीक है बस इतना क्लियर हुआ अब क्या करेंगे ए के नीचे वाले को जीरो के बराबर रखेंगे तो ए के नीचे क्या है एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा अब इसी लाइन में एक्स का मान वन रखिए बराबर अब इधर वन मत रखिए ध्यान दीजिए ए के नीचे वाले को जीरो के बराबर रखा गया तो जितना में बी और सी होगा वो सब ज़ीरो हो जाएगा बी वाला और ये सी वाला ज़ीरो हो जाएगा ना नहीं लिखना है सिर्फ ए वाला ही लिखना है क्यों क्योंकि ए के नीचे वाला को हम जीरो के बराबर लिखे तो सिर्फ ए वाले को ही लिखना बाकी छोड़ देना है छोड़ दीजिए ए इंटू एक्स का वैल्यू वन है तो वन माइनस टू यहाँ भी वन माइनस थ्री करेंगे तो ए इंटू हो जाएगा एक में से दो जाएगा माइनस एक एक में से तीन जाएगा माइनस दो माइनस वन घोड़ी माइनस दो माइनस प्लस दो प्लस टू ए तो ए बराबर क्या आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा बेटा ए बराबर आ जाएगा दो आएगा एक के नीचे एक बटे दो हो जाएगा अब इसी तरीके से बी के नीचे एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर प्लस टू ठीक है अब इसी लाइन में एक्स का मान टू रख दीजिए टू बराबर अब यक्स माइनस टू किसके नीचे बी के नीचे तो सिर्फ इसमें से बी वाले को लेकर आइए बी वाले को लिखिए बाकी अगल बगल क्या है नहीं लिखना है बी वाले को लेकर आइए बी ब्रैकेट में यक्स माइनस वन माइनस तीन ठीक है की जगह पर क्या रखना यक्स की वैल्यू टू रखना था यहाँ रखो दो माइनस एक यहां रखो दो माइनस तीन तो दो में से एक जाए एक यानी बी गुड़े एक दो में से तीन जाएगा माइनस एक तो माइनस वन बी तो बी बराबर आ जाएगा आपका माइनस टू ठीक है अब की बार सी के नीचे वाले को जीरो के बराबर रखेंगे एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो ठीक है इस बार एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो करते हैं इस बार हम एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर प्लस थ्री तो इसी लाइन में ये लाइन है ना बड़ी सी इसी लाइन में आपको एक का मान तीन रखना है तो तीन बराबर अब बाकी देखिए एक्स माइनस तीन किसके नीचे है सी के नीचे है तो सिर्फ सी वाला बचेगा इसमें सिर्फ सी वाला बचेगा बाकी ये और ये जीरो हो जाएगा समझे जीरो क्यों होगा पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री जो देखेगा वो जान जाएगा ठीक है तो सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अब x की वैल्यू तीन यहाँ रख दो काम खत्म अब x की वैल्यू कितना तो तीन माइनस वन तीन माइनस दो तीन में से एक जाएगा कितना आएगा दो और तीन में दो जाएगा एक तीन बराबर टू दो एक कम दो सी तो सी तो बराबर तीन बटे दो हो जाएगा सी बराबर क्या हो जाएगा तीन बटा दो सी बराबर तीन बटा दो ठीक है आया अब क्या होगा ध्यान से समझना है आपको ध्यान से समझिएगा ए का मान बी का मान सी का मान तीनों मान को सबसे पहली लाइन में रखेंगे जिसमें लिखें आप कैपिटल ए बी सी संबंध नंबर एक में ए बी सी का मान रखना है तो संबंध नंबर एक को मैं नीचे लाता हूँ चलिए इसको नीचे लेके आते हैं इसको नीचे लाएंगे तब ना लिखेंगे सवाल सिर्फ बड़ा है कठिन नहीं है hmm. देखिए ध्यान से बेटा अब इसी में क्या करना मुझे गौर से देखिए ए का वैल्यू एक बटे दो यहाँ लिखेंगे बी का वैल्यू मायना दो यहाँ लिखेंगे सी का वैल्यू तीन बटे दो यहाँ लिखेंगे तो करते हैं समाकलन इधर भी इंटीग्रेशन का मान क्या है एक बटा दो तो एक बटे दो को बाहर ही लिख देंगे और एक बटे एक्स माइनस वन डी एक्स बी का मान क्या माइनस का दो तो ये माइनस दो लिख के लिखेंगे एक बटे एक्स माइनस टू ठीक है सी का मान क्या बेटा तीन बटे दो तो तीन बटे दो यहीं रहेगा एक बटे एक्स माइनस तीन डी एक्स ठीक है तो अब क्या करना है अब आपको पता है ना मैंने डायलॉग बोला था जो लोग इस चैप्टर का वन साट वीडियो देख रहे होंगे वन साट मतलब सेवन पॉइंट फाइव का पहला से लेके आखिरी तक का सवाल देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बोला था इस एक्सरसाइज में ये वाला सूत्र हमेशा लगेगा अंतिम में तो एक बट एक्स माइनस वन आ गया ना इसी स्टाइल में तो क्या हो जाएगा लाग एक्स माइनस वन माइनस दो लाग एक्स माइनस टू प्लस तीन बटे दो लाग एक्स माइनस थ्री लास्ट में सी हुआ ये हुआ आपका आंसर ये हुआ आपका आंसर क्लियर है कहीं कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मज़ेदार तरीके से अगला सवाल करते हैं मज़ा आएगा आपको बताइएगा आंसर मिला लें आंसर आया कि नहीं एकदम मजा है और अगला सवाल है टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बहुत बढ़िया सवाल है पांचवा सवाल इसी एक्सरसाइज का टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू देखिए है ना अब इसका आपको समाकलन करना तो पहले आपको ये जज करना पड़ेगा अपने से खुद से ही कि यार क्या ये नीचे वाला गुणनखंड हो सकता है क्या अगर हो सकता है तो कर लीजिए तो ये जो मैं अब कर रहा हूँ ये रफ कार्य है ये कापी में करके दिखाना ना ये रफिंग है रफ पेज पे करिएगा चेक करिएगा ये एक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स कामन लेंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू का मन लीजिए देखिए दो ब्रैकेट में बन गया अब इससे ये कैसे बना अगर आपको नहीं आ रहा तो ये कच्चा आठ में सात में पढ़ाया जाता है नौ में टेंथ में भी तो अगर नहीं आ रहा तो आप मेरा वीडियो कॉल बैच ले लीजिए नहीं पूरा साल पढ़िएगा एक महीना पढ़िएगा एक महीने के अंदर ही ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी ठीक है तो कुल मिला जुला करके आपने कमाया है आप छोड़ दिए पढ़ाई आपने पढ़ना छोड़ा स्कूल से कोचिंग से तो आपको नुकसान होगा अगर आप चाहते हो कि आपको यह सब समझ में आए तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा ठीक है ऊपर वाला जो लोग समझदार हैं जान गए होंगे एक्स प्लस टू एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस वन डी एक्स अब आप देखिए ये नीचे वाला दो ब्रैकेट में बन गया अब आप चाहेंगे तो इसको खुद से कर सकते हैं मेरी वीडियो को रोक दीजिए आगे अपने से कर लीजिए फिर वीडियो प्ले करके मिला लीजिएगा सही है कि नहीं सही है ठीक है अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो कितना टुकड़ा टूटेगा दो टुकड़ा क्योंकि दो कोष्टक नीचे है तो चलिए हम लोग अब इसकी तोड़ाई करते हैं ठीक है ए बटे एक्स प्लस टू प्लस बी बटे एक्स प्लस वन अब ऊपर वाला डायरेक्ट कर सकते हैं टू A नीचे वाला प्लस बी इंटू इधर वाला मतलब इसका इसमें कर देंगे गुड़ा देखो बी इंटू एक्स प्लस टू लिखा हूँ और ए इंटू एक्स प्लस वन लिखा हु देखो यहाँ लिखा हूँ और नीचे 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 लिखने की आवश्यकता नहीं है अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा अब क्या करेंगे इसको संबंध नंबर एक बना दीजिए अब एक के नीचे वाले को जीरो के बराबर रखिए एक्स प्लस टू बराबर जीरो तो एक्स बराबर माइनस टू इसी में रखिए एक्स का मान क्या माइनस टू दो गुड़े माइनस दो बराबर एक्स प्लस टू जहाँ पर है ये तो जीरो हो जाएगा मतलब हमने ए के नीचे वाले को ज़ीरो रखा तो ए वाला रह जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वन तो यक्स का मान क्या रखना माइनस टू प्लस वन ये दो दोनों चार माइनस चार बराबर एक में से दो जाएगा माइनस वन है दोनों का माइनस कट गया ए बराबर चार ठीक है अब की बार हम बी के नीचे वाला एक्स प्लस वन बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर माइनस वन आएगा तो इसी लाइन में एक्स का मान माइनस वन दो गुड़े माइनस वन रखिए दो गुड़े माइनस वन बराबर और जिसमें एक्स प्लस वन रहेगा उसको छोड़ देना इसको छोड़िए बाकी जो बच्चा उसको लिखे बी इंटू एक्स प्लस टू क्या लिखना है बी इंटू एक्स प्लस टू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस टू लिखना पड़ेगा ना माइनस वन प्लस टू तो दो एकम दो माइनस दो बराबर दो में से एक जाएगा एक यानी वन बी तो बी का मान आ गया माइनस टू ठीक है अब यहाँ पर आप देखें ए और बी दोनों का मान आ चुका है अब इसी मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर वन में ठीक है चलिए समीकरण नंबर वन को हम पहले नीचे लाते हैं अपने स्टाइल से फिर उसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर वन है ये ठीक है ये आ गया आपका नीचे यहाँ पे अब इसी में अच्छा भी है सर वहाँ इसी में मान रख देते हैं कि इसका ए का मान चार और बी का मान माइनस दो समाकलन का सिंबल लगा देते हैं ऐसे ऐसे एक कमान चार और चार लिखिए वन अपान एक्स प्लस टू डी एक्स बी कमान क्या है माइनस दो तो लिखिए माइनस दो वन अपान एक्स प्लस वन डी एक्स मैंने एक बात बोली थी ना कि इसमें इस, इस एक्सरसाइज में हमेशा आपका एक बटे एक्स वाला समाकरण का सूत्र यूज होगा ठीक है ना तो वही हो रहा है वही कर लिया जाए आई आ गया बराबर चार एक बटे एक्स प्लस टू क्या बन जाएगा लाख एक प्लस टू बन जाएगा माइनस दो एक बटे एक्स प्लस वन क्या बन जाएगा लाख एक्स प्लस वन बस छोड़ दीजिए आंसर हो गया क्या चाहिए अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है बहुत करेंगे चार इसके ऊपर घात बनाएंगे दो इसके ऊपर घात बनाएंगे लाग एम माइनस एन लिखेंगे लाग एम बटे एन आएगा ऐसे भी छोड़ेंगे तभी भी आंसर है वैसे मैं मिला लेता हूँ बुक में क्या आंसर है क्योंकि बच्चों को भूख वाला ही आंसर चाहिए एकदम यही है बेटा इसके अलावा कुछ और नहीं है अब इसके बाद जो पांचवा सवाल बताऊंगा वो सबसे अलग है दुनिया से अलग है वो दुनिया से अलग है वो सारे सवालों से अलग है वो अभी आपको बताते हैं वेट कीजिए तुरंत आपको बताते हैं बस थोड़ा सा वेट कीजिए ठीक है ना तो अब आपको मैं एक ऐसे सवाल से परिचय करवाता हूँ जो थोड़ा सा अलग है अलग क्यों है बताता हूँ अंश में घात देखिए दो है और जब यक्ष का अंदर गुड़ा करेंगे दोनों में तो यहाँ पर भी दो घात हो जाएगा आंशिक भिन्न का नियम कहता है अंश की घात कम हो हर की घास से ठीक है ना ऊपर वाला कम हो नीचे वाला घात ज़्यादा हो बराबर भी ना हो कम ज्यादा का फासला हो ऊपर वाले अंश की घात कम हो नीचे वाले ज़्यादा हो तो ऊपर दो घात है नीचे भी जब गुड़ा कर दोगे तो एक्स पे दो घात यानी बराबर हो जाएगा हमें आपको सवाल इस रूप में डालना कि ऊपर की एक घात कम हो जाए नीचे की ज़्यादा तब जाके सवाल आंशिक भिन्न में चेंज होगा तो उसके लिए क्या करेंगे अंश में हर से भाग देंगे तो पहले इसका अंदर गुड़ा कर लीजिए आप एक माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस काम ले लीजिए दोनों आगे पीछे हो जाएंगे तो यक्सक्वायर माइनस वन फोर्टी टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देखिए इस लाइन में इस लाइन में इस लाइन में तीनों में क्या फर्क है खाली एक्स का दोनों में घुड़ा किया हूँ नीचे अब दोनों का चिन्ह बदल दिया गया मतलब क्या एकक्वायर को पहले और इसको बाद में इसको पहले इसको बाद में यानी आगे पीछे किया गया है ठीक है इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखा गया है नीचे देखिए ठीक है ना उसी तरह नीचे भी किया गया पहले दो एक्स स्क्वायर एक को बाद में समझ गए? अब अंश में हर से भाग देकर दिखाता हूं ये रफ पेज रहेगा भाग तो देते ऐसे ना ये अंश और ये हर है इसमें इसी से भाग देना तो कैसे होगा ध्यान से देखिए हमें लाना एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर में हम कितने का गुड़ा करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए तो एक्स स्क्वायर कट गया क्या बराबर यहां एक बचेगा ये चला जाएगा बटे में तो यानी यहाँ एक बटे दो लिखना पड़ेगा एक बटे दो का दो एक्स स्क्वायर में गुड़ा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा देखिए दो एक्स स्क्वायर में एक बटे दो का गुड़ा करेंगे दो दो कट जाएगा तो एक स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर आएगा और एक बटे दो का माइनस एक्स में गुड़ा होगा तो माइनस एक बटे दो एक्स ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा प्लस जाएगा ये दोनों कट जाएगा ये आ जाएगा प्लस एक बटे दो एक्स लास्ट में माइनस वन तो ये भिन्न क्या बन गई इतना प्लस इतना बटे इतना यानी एक बटे दो प्लस इतना बटे इतना ऐसे लिखेंगे कैसे एक बटे दो प्लस एक बटे दो एक्स माइनस वन बटे यही टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ठीक है इतना लिख दिया प्लस शेष बटे भाजक शेष बटे भाजक हो गया तो अब हम इसी चीज को लिखेंगे उधर यह सारा रफ कार्य है ये जो इस पेज पे देख रहे हैं ना ये आप मेन कापी में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा पेज में लिख के कर लीजिएगा अच्छे से काट पीट कर लीजिएगा तो यहाँ क्या बन गया ये ये बन गया एक बटे दो प्लस एक बटे दो एक माइनस वन बटे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये बन गया इतना बड़ा ठीक है अब आप देखिए अंश की घात हर की घात से कम हो गया यहाँ अंश की घात हर की घात से कम भाग क्यों दिया गया क्या वजह था वजह यही था कि अंश की घात कम हो जाए हर की घात से तो देखिए हर में दो घात ऊपर अंश में एक ही घात है तो हो गया तो अब इसी का हम सिर्फ समाकलन इसी का करेंगे हम सिर्फ इसी का समाकलन करेंगे और किसी का नहीं ठीक है तो चलिए करते हैं बगल में हम करते हैं आप देखिएगा सिर्फ इसका करिएगा एक बटे दो का तो नहीं करेंगे बाद में एक बार दो का समाकलन एक बटे दो एक्स लिख देंगे लिखेंगे एक बटे दो एक्स माइनस वन बटे दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको कैसे कर सकते हैं आप ध्यान दीजिए एक बटे दो एक्स माइनस वन बटे इसमें से एक्स कामन लेंगे तो क्या बचेगा टू एक्स माइनस वन नीचे में से सिर्फ एक का लेंगे क्या बचेगा टू एक्स माइनस वन बचेगा अब इसको अगर दो टुकड़ा में तोड़ना है तो पहला टुकड़ा बटे का टुकड़ा एक दूसरा टुकड़ा बी बटे टू एक्स माइनस वन ठीक है ना ये गुड़ा के रूप में ये भी गुड़ा के रूप में गुड़न खंड है ना इतना गुड़े इतना पहला टुकड़ा नीचे एक दूसरा टुकड़ा नीचे कोष्टक देख रहे हो अब तिरछी तिरछा गुड़ा करिए जैसे है वैसे लिखिए ए का गुणा इसके नीचे वाले में बी का गुणा इसके नीचे यक्स में बटे के नीचे दोनों का आपस में गुणा, नीचे नीचे क्या होगा दोनों बच्चों से कट जाएगा बच्चे का ऊपर वाला एक बटे दो यक्स माइनस वन बराबर ए इंटू टू एक माइनस वन प्लस बी एक्स ठीक है ध्यान से देखते जाइए कुछ इसमें है नहीं बस आनंद ही आनंद है एक बटे दो यक्स माइनस वन बराबर एक का गुड़ा करो टू ए एक्स क्या होगा टू फिर से देखिए टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स तो एक बटे दो यक्स माइनस वन बराबर यहाँ से एक कामन ले लीजिए तो क्या बचेगा टू ए प्लस बी इंटू एक्स और ये माइनस ए दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो यक्स का गुणांक बराबर यक्स का गुणांक होगा यानी टू ए प्लस बी बराबर एक बटे दो होगा और अचर पद बराबर अचर पद यानी माइनस ए बराबर माइनस वन क्या होगा माइनस ए बराबर माइनस वन तो ए बराबर प्लस वन अब फिर यक्स का गुणांक टू ए प्लस बी बराबर क्या है एक बटे दो हो जाएगा ठीक है यक्स का गुणांक ये है यहाँ एक गुणांक एक बटे दो है एक कमान वन रख दो दो गुड़े वन प्लस बी बराबर एक बटे दो बी बराबर एक बटे दो दो एक कम दो उधर जाएगा माइनस दो ठीक है तो बी बराबर दो दोनों चार दो का दो में गुड़ा करो दो दोनों चार तो एक में से चार जाएगा माइनस तीन बटे दो एक में से चार घटेगा अरे दो दोनों चार हो गया एक में से चार घटेगा माइनस तीन आएगा माइनस तीन बटे दो आ गया तो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू माइनस थी बट दो को कहाँ रखना है यहाँ रखना बता रहा हूँ इस वाली लाइन में रखना है जो लाइन हमारी है सबसे ऊपर उसी में मान को रखना है चलिए रखते हैं इसी लाइन में मान रखना हमें आइए ध्यान दीजिए ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू माइनस तीन बटे दो इसी में रखना है मुझे समाकलन का सिंबल लगा देते हैं एक बटे दो एक्स माइनस वन बटे एक्स ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन डी एक्स बराबर ए एक की वैल्यू क्या वन है तो वन अपान एक्स डी एक्स बी का वैल्यू क्या है माइनस तीन बटे दो है रखिए इसे माइनस तीन बटे दो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान टू एक्स माइनस वन डी एक्स ठीक है वन अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है और तीन बटे दो ऐसे ही रहेगा वन अपॉन्ट टू एक्स माइनस वन का समाकलन लाग टू एक्स माइनस वन लाग टू एक्स माइनस वन एक का जो गुणांक होता है वो बटे में फिर से जाता है ध्यान दीजिएगा x के बगल वाला बटे में जाएगा तो उसको भी बटे में दो लिखेंगे ये जो गुड़े में दो है बटे में दो आएगा और ये तीन बटे दो पहले से है लास्ट में सी आगे देखिए आगे देखिए ध्यान से ये लाख एक हो गया तीन कम तीन और दो धोनी चार लाख टू एक माइनस वन अब ये फाइनल उत्तर नहीं है फाइनल उत्तर कहाँ दिखाते हैं आपको फाइनल उत्तर यहाँ है एक बटे दो भी लिखना है शुरुआत में ना तो अब लिखेंगे इतना बराबर एक बटे दो एक और ये जोड़ देंगे ठीक है तो चलिए फाइनल उत्तर के लिए भी हम इंतजाम कर ही लेते हैं बोर्ड की कापी जैसे लिखना मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ बाकी आपका मन करे टेढ़ा मेढ़ा लिखने का तो लिख दीजिएगा लिखेंगे ऐसे बता रहा हूँ बेटा लिखेंगे आता है इतना बराबर एक बटे दो का समाकलन क्या होगा एक बटे दो एक्स होगा और प्लस चिन्ह लगा के ये सारा उतार दीजिए बस ठीक है लॉग एक्स माइनस तीन बटे चार लॉग टू एक्स माइनस वन प्लस सी ये हुआ आपका आंसर ठीक है यह इसका फाइनल आंसर है इसमें आपको नया चीज सीखने को मिला कि जब अंश की घात तो हर की घात से बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो भाग दिया जाता है ठीक है बराबर पर ज्यादा पर भी भाग दिया जाता है अगला सवाल मैं आपको बताता हूं सात नंबर उसमें भी एक नया चीज सीखेंगे आप एक्स बटे स्क्वायर प्लस वन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फाइव का सात नंबर एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन इसी का हमें क्या करना है समाकलन ठीक है इसी का हमें क्या करना है समाकलन करना है तो चलिए अब इसको कितने टुकड़ों में लिखेंगे दो कोष्टक आपको दिख रहा होगा तो दो ही टुकड़ा बनेगा सही बात है एक टुकड़ा यहाँ और एक टुकड़ा यहाँ ठीक है लेकिन जब इस कोष्टक के अंदर दो घात हो तो इस कोष्टक के ऊपर जो लिखा जाएगा वो दो अल्फाबेट रहेगा जैसे ऐसे रहेगा ए एक प्लस बी यहीं रह जाएगा अब इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये दूसरा कोष्टक इसके नीचे जाएगा इसके ऊपर रहेगा सी क्यों बताता हूँ ये दो कोष्टक था तो दो टुकड़ा में तोड़ा हूँ पहला कोष्टक पहला टुकड़ा के नीचे दूसरा कोष्टक दूसरा टुकड़ा नीचे। के नीचे इसमें दो घात होने की वजह से इसके ऊपर दो अल्फ़ाबेट ए और बी लिखना हुआ आपके तो लिखने का तरीका होता है ए प्लस बी और जब बी तक आप लिख लिए तो बी के बाद क्या आता सी आता तो सी को यहाँ लिखेंगे समझ गए ये होता है अब फिर इसको लिख लीजिए ऐसे जैसे है जैसे है वैसे लिख लीजिए बराबर अब गुड़ा करिए तिरछा तिरछा एक्स प्लस बी का गुड़ा होगा एक्स माइनस वन से प्लस सी का गुड़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से और नीचे नीचे वाला नीचे नीचे रहेगा अब क्या होगा नीचे वाला नीचे वाले से कट जाएगा ये नीचे वाला नीचे वाले से क्या होगा कट जाएगा भाई तो काट दीजिए ऊपर वाला एकक्वल टू अब इन दोनों का आपस में गुड़ा कर लीजिए ए एक्स गुड़े एक तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स गुड़े माइनस वन तो हो जाएगा एक्स बी का एक में हो जाएगा बी एक्स बी का माइनस वन में तो माइनस बी सी का एक सी एक्स स्क्वायर सी का वन में तो प्लस सी नीचे नीचे वाला दोनों को ही गया है अब क्या होगा बेटा देखिए एक यहाँ पे है यहाँ पे एक काम ले लीजिए तो बचेगा ये प्लस सी इंटू स्क्वायर एक्स <coughs> काम लीजिए इन दोनों में है ठीक है तो प्लस चिन्ह लगा दो माइनस ए बचेगा प्लस बी बचेगा एक्स तो कामन ले लिया इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए प्लस लगा के माइनस बी प्लस सी लिख दीजिए और दोनों पक्षों की तुलना यहाँ पे किया जाएगा बड़ा मज़ा आएगा देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर कहीं बाएं पक्ष में है नहीं है तो ए प्लस सी बराबर जीरो जो नहीं है वो जीरो होगा क्या एक्स बाएं पक्ष में कहीं है हाँ है इसका गुणांक एक है तो माइनस ए प्लस बी बराबर एक क्या अचर पद बाएं पक्ष में कहीं है नहीं है तो इसका अभिमान जीरो तो यहाँ से सी बराबर प्लस बी आ जाएगा सी बराबर प्लस बी ठीक है सी बराबर प्लस बी यानी बी का मान सी यहाँ रख दो बी का मान सी माइनस ए प्लस सी बराबर एक अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख दो इसको लाओ इसके नीचे लिखो माइनस ए प्लस सी बराबर एक जोड़ दो ए और एक कट जाएगा ठीक है सी सी में जोड़ेंगे टू सी बराबर एक सी बराबर एक बटे दो सी का मान एक बटे दो यहाँ रख दीजिए तो समझ लीजिए बी का मान भी आ गया एक बटे दो अब बी का मान एक बटे दो आया सी का मान एक बटे दो आया तो यहीं पर मान रख दिए सी का माइनस ए प्लस सी सी का वैल्यू एक बटे दो बराबर एक तो माइनस एक बराबर वन एक बटे दो इधर जाएगा माइनस एक बटे दो दो एक कम दो में से एक जाएगा एक बटे दो तो ए का मान आ जाएगा माइनस एक बटे दो इधर का माइनस उधर चला जाता है ए तो बराबर माइनस एक बटे दो आ गई क्या गोद में होगी आ जाओ मेरे स्टूडेंट आज ना बहुत कठिन चीज पढ़ रहे हैं क्या तो कठिन चीज बार बार पढ़िएगा कठिन चीज बार बार पढ़िएगा वीडियो लाइक कीजिएगा वीडियो लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा बता दो हाँ नहीं पता, नहीं पता। है ठीक है तब जाओ बाय कर दो जाओ बेटी हम जाओ अरे मेरी कहाँ पे गिरा दी उठा के रखो आराम से रुको रुको हाँ अब जाओ नहीं नहीं तो ए की वैल्यू माइनस हाफ बी की वैल्यू प्लस हाफ सी की वैल्यू प्लस हाफ अब इसको रखना कहाँ भाई रखना यहीं पे ये ये वाली लाइन में इस लाइन का नाम दे देते इक्वेशन वन उसी लाइन को यहाँ नीचे लानेंगे ठीक है चलिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हो गया नीचे अब समाकलन का सिंबल लगा देता हूँ भाई इधर ठीक है अब बस आंसर लेना है ए का मान कितना है भैया माइनस एक बटे दो यक्ष बी का मान कितना है भैया एक बटे दो बटे के नीचे स्क्वायर प्लस वन अब देखिए ध्यान से प्लस सी का मान कितना आया है प्लस का एक बटे दो बगल तो में ही लिख देते हैं ऐसे ठीक है यहाँ भी डी लग जाए यहाँ भी डी लग जाए ठीक है अब क्या करना है मेरे बाबू ध्यान दीजिए मेरे बाबू मेरे सोना इतना बटे इतना अलग इतना बटे इतना अलग तो माइनस एक बटे दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन अलग डी एक्स ऐसे ही प्लस एक बटे दो बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स अलग प्लस एक बटे दो एक बटे एक्स माइनस वन डी एक्स एक बटे दो इधर आएगा माइनस एक बटे दो हो जाएगा एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस एक बटे दो किनारे लीजिए एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस एक बटे दो एक बटे एक्स माइनस वन डी एक्स इसको सेट करते हैं इसी में दो बटे दो का गुड़ा करेंगे दो बटे दो का गुड़ा ये वाला दो जो बाद में लिखे और ये वाला दो आपस में कट जाएंगे फिर पुराना वाला एक बटे दो रह जाएगा फिर से समझिए अभी ऐसे पुराना वाला इसमें दो का गुड़ा करेंगे तो यहाँ भी गुड़े दो करेंगे बस यही याद रखना ये माइनस एक बटे चार हो गया और ये टू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस इसका समाकलन हो ही जाएगा क्या होगा एक बटे दो ये टेन इनवर्स एक्स होगा इसका क्या होगा एक बटे दो लाग एक्स माइनस वन होगा आगे देखिए इसका हमने रोका क्यों क्योंकि नीचे वाले को टी मानना है नीचे वाले को टी मानेंगे तो टू एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी तो ये हो जाएगा माइनस एक बटे चार वन अपॉन टी डी टी नीचे वाला टी और ऊपर वाला टू एक डी एक्स के वन डी टी बाकी ये सब जैसे है वैसे लिख लीजिए लाख एक्स माइनस वन ठीक है माइनस एक बटे चार एक बटे टी क्या होता लाख टी प्लस ये सब उतार देना वैसे ही जैसे है ठीक है अब t का मान रख देंगे वापस एक्स स्क्वायर प्लस वन काम आपका हो गया माइनस एक बटे चार लाग टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक बटे दो टेन इनवर्स एक्स प्लस एक बटे दो लाग एक्स माइनस वन प्लस सी बहुत करेंगे एक बटे दो यहाँ से यहाँ से यहाँ तीनों में से एक बटे दो काम ले सकते हैं आपके आंसर में क्या दिया है कामन उमन नहीं लिया ऐसे ही दिया हुआ है ठीक है पहले ये लिखा है और उसके बाद एक बटे चार वाला ये लिखा है माइनस में उसके बाद लास्ट में ये लिखा है आगे पीछे है लेकिन सब है तो ये हुआ आपका आंसर तो कैसा लगा आप मुझे बताओ अब अगला सवाल भी देखना भाई मज़ेदार सवाल है तो अब एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कौन ऐसा है जो वन शार्ट वीडियो देख रहा है सेवन पॉइंट फाइव का पूरा एक ही में है वो वाली वीडियो कौन देख रहा है कमेंट में बता देना भाई थैंक यू